आपकी और भाभी जी की जो शादी हुई थी आपकी लव मैरिज थी उस वक्त, लव मैरिज कैसे मतलब? नहीं नहीं अच्छा उस वक्त कितने साल पहले सर? ये मैंने 80 दिसंबर में मेरी शादी हुई थी, मोदी जी भी आए थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लोग साथ में काम कर रहे थे और हमने शादी की। लेकिन सर वो लव मैरिज थी मतलब उस वक्त किस तरीके से लोगों को, घर वालों को मनाना, परिवार को मनाना? नहीं, नहीं। स्वाभाविक है, घर वाले को पूरा भरोसा था कि जो हमारा डिसीजन होगा वो सही होगा। सर चलिए राजनीति की बात करते हैं, चुनाव है, चुनाव में जिस तरीके से आप हार्दिक पटेल के लिए क्या कहेंगे, एक शब्द में अगर बयां करना है तो क्या कहेंगे? समाज के साथ धोखाबाजी की है, समाज के युवकों की भावनाओं को उन्होंने, उनके साथ पूरी भावना के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के एजेंट के नाते आज तक उन्होंने चलाया। अल्पेश तो कांग्रेस का ही आदमी था, मुझे तो राहुल पर दया आ रही है कि कांग्रेस में लाया। अरे कांग्रेस का ही था, कांग्रेस की चुनाव चिन्ह पर वो पंचायत के चुनाव लड़ा था, हार गया था 2010 में। और उनके पिताजी आज भी कांग्रेस के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है। तो क्या ये सब समाज के साथ धोखाबाजी हो रही है? जिग्नेश के लिए क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि वो भी सिर्फ जातिवाद के आधार पर राजनीति करने के लिए निकला है, नीयत साफ नहीं है। अगर राजनीति करना है तो खुले मन से करो, ये शॉर्टकट के द्वारा देश को काफ़ी नुकसान और समाज को तोड़ने का काम वो पाप कर रहे हैं। अब सर आपका फेवरेट टॉपिक राहुल गांधी पे क्या कहना? मुझे लगता है कि मैडम सोनिया गांधी अपने पुत्र प्रेम से कांग्रेस को डुबा देंगे। जिस तरीके से पिछले 3 साल में जितने चुनाव हुए, एक साइड मोदी जी का नेतृत्व, दूसरी साइड राहुल का नेतृत्व, कहाँ राजा भोज, और दूसरी तरफ राहुल के नेतृत्व में चुनाव चला और चुनाव में सभी जगह कांग्रेस हार गई और बुरी तरह से हारी। उत्तर प्रदेश में 7-8 लोग चुने से, एक जमाना था कांग्रेस का, आज क्या हो गया? चलिए सर सोनिया गांधी पर भी तो बोल रहे हैं 2 लाइन, उसके बाद जी सर सोनिया गांधी के लिए क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ कि अभी सोनिया जी की तबीयत नादुरुस्त है, लेकिन ये जातिवाद, ये परिवारवाद और ये वंश परंपरागत जिस तरीके से राजनीति हो रही है उससे कांग्रेस डूब जाएगी। चलते चलते सर आखिरी सवाल यहाँ पे भी तो पूछ ले, न्यूज तक पे कितनी सीटें? 150 प्लस 18 दिसंबर के बाद फिर मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, आप भी मिलना बिल्कुल, ताकि 150 का हिसाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज तक पर ये इंटरव्यू देने के लिए, और न्यूज तक आप फौरन सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, और तमाम ऐसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज वहां जरूर देखें।